अल्ट्रा F1 जैसे ही प्रेस करेंगे पुरानी कंपनी बंद हो जाएगी। अब आपको नई कंपनी ओपन करना है, अपनी अपन ने जो कंपनी बनाई थी उसको ओपन करना है। F1 प्रेस करेंगे और आपके सामने लिस्ट आएगी कंपनियों की और आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अपनी कंपनी अपन देख लेते हैं कौन सी है, उसे अपन यहाँ से ओपन कर लेंगे। ABC एंड कंपनी, इसे अपन ने ओपन कर लिया है। अब अपन देख रहे हैं कि लेज़र अपन ने जो बनाए थे पिछली क्लास में कौन कौन से बनाए थे वो अपन को देखना है, और कुछ नए लेज़र हमें बनाना है। तो उन पुराने लेज़र कैसे देखें और नए लेज़र कैसे बनाएं। और अगली क्लास में आप नए विद्यार्थियों से ऐड करने, जो नए विद्यार्थी क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं आप उनसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास से हम आपको स्टार्टिंग से जो परचेज सेल्स की एंट्री होती हैं, वो जिनको नहीं आती हैं वो कैसे करते हैं वो हम पूरा करना सिखाएंगे। एंट्री कैसे बोलते हैं और किसको बाय करते हैं, किसको टू करते हैं, क्या नियम होता है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम आपको कुछ लेज़र बनाना बता रहे हैं। ए शॉर्टकट की है ALT। ALT प्रेस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पिछली क्लास में आपने कौन कौन से लेज़र बनाए थे और आपने उनको अंडर में कहाँ कहाँ भेजा हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा कि कौन से लेज़र को आपको अंडर में कहाँ भेजना है, ताकि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से लेज़र को कहाँ भेजना है, तो आप ये स्क्रीनशॉट जो आपने लिया होगा इसको देखने के बाद आप सही जगह भेज देंगे। अब कुछ और लेज़र हमें बनाना है, तब हम डाउन एरो की द्वारा नीचे चल रहे हैं और यहाँ पर अपन कुछ नए लेज़र बनाने वाले हैं। नए लेज़र में अपन बना रहे हैं ऑक्ट्राय, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, जो फैक्ट्री में माल आता है उससे आने के पहले के जो जो भी खर्चे हैं, माल बनने के पहले के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और माल बनने के बाद के खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, जैसे कि विज्ञापन का खर्च है, और अपन जो सैंपल देते हैं सैंपल विज्ञापन में ही आता है, तो ये इनडायरेक्ट आएगा। जैसे अपन एक बना लेते हैं लेज़र सैंपल अकाउंट, सैंपल को हिंदी में नमूना बोलते हैं। जब भी कोई सामान लेते हैं तो थोड़ा सा सामान चेक कराने के लिए अपन देते हैं, देखने के लिए देते हैं, वो सैंपल कहलाता है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि ये निर्माण होने के बाद का खर्च है, इसको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी प्रकार कुछ और भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, पड़ेगा वो डायरेक्ट में आएंगे। जैसे फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डायरेक्ट में आएगा, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में आएगा। तो बना लेते हैं अपन फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और ऑफिस का है ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब हम इसको सेव करना है, लेज़र को सेव करना है, तो अपन कैसे सेव करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और ये सेव हो जाएगा। एस्केप बटन द्वारा अपन वापस जाएंगे और फिर अपन वाउचर एंट्री करने के लिए शॉर्टकट V प्रेस करेंगे, V फॉर वाउचर। माना कि यहाँ पर हमें फैक्ट्री
कि बिजली के बिल का भुगतान करना उसकी एंट्री करना चाहते हैं। तो आपको जब भी फैक्ट्री के बिजली बिल का भुगतान करना हो या ऑफिस का बिजली बिल का भुगतान करना हो, पर वाउचर में आपको एंट्री हमेशा पेमेंट वाउचर में ही करना है। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और बाय में खर्च का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन फैक्ट्रीज का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की एंट्री करना चाह रहे हैं तो यहाँ अपन कर लेते हैं। माना कि 15,000 रुपये की एंट्री आपको करना है और टू में कैश आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, चेक द्वारा या ऑनलाइन कर रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग पेड फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऑफिस का करना है तो बाय में लिखेंगे आप ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, माना कि आपको 3,000 रुपये करना है, और टू में कैश करना है तो आप यहाँ पर कैश लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको जितने भी खर्चों की एंट्री करना है, आप बाय में आप खर्चों के नाम लिखेंगे, टू में आप कैश लिखेंगे और आप एंट्री कर दिया करेंगे। और जब भी हम आपसे कभी एंट्री पूछें कि कमीशन दिया, किराया दिया, मजदूरी दी, आवक गाड़ी भाड़ा दिया, जावक गाड़ी भाड़ा दिया, बिजली का बिल भरा, ऑफिस का बिजली का बिल भरा, तो फिर आप इन खर्चों को बाय किया करेंगे। जैसे हमने बताया, किराया दिया बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, कमीशन दिया बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिजली के बिल का भुगतान किया बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन बिल का भुगतान किया बाय टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऑफिस के बिजली बिल का भुगतान किया बाय ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस किया बाय रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस तरह से आप जितने भी खर्चों के बारे में हम आपको बताएंगे, आप उन खर्चों की एंट्री को बाय में कर दिया करेंगे, खर्चों को बाय में लिखेंगे, टू में उन खर्चों का भुगतान किस माध्यम से कर रहे हैं उसे आप टू में लिखेंगे। जैसे कैश कर रहे हैं तो टू में आप कैश लिख देंगे, और चेक द्वारा कर रहे हैं तो आप टू में बैंक लिख देंगे। ऑनलाइन फ़ोनपे गूगल पे नेट बैंकिंग किसी माध्यम से कर रहे हैं तब भी आप टू में बैंक लिखेंगे, क्योंकि उस समय बैंक से अमाउंट जाएगा। तो ये सभी समझ में आ गया किस तरह से आप लेज़र बनाते हैं, किस तरह से वाउचर एंट्री करते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने पिछली क्लास में देखना सीख लिया था, एक बार हम फिर बता रहे हैं। पी प्रेस करते हैं अपन गेट ऑफ टेली पे आने के बाद, जैसे आप पी प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख जाएगा। हमने आपको कहाँ पे क्या देखते हैं पहले ही बता दिया था, डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। डिटेल पर शॉर्टकट है अल्टर एफ वन प्रेस कर भी आप डिटेल में इसे देख सकते हैं। फिर बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, अपन वापस जा रहे हैं एस्के बटन द्वारा, बी प्रेस कर रहे हैं, बी फॉर बैलेंस शीट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। ये व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसके एक पक्ष में दायित्व लाइबिलिटीज़ लिखे जाते हैं, दूसरे पक्ष में संपत्ति अर्थात एसेट्स को लिखा जाता है। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो हमें भविष्य में देना है वो हमारे दायित्व होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारी संपत्तियाँ हैं, स्थायी संपत्ति हैं, या फिर हमें भविष्य में यदि कुछ मिलने वाला है, कुछ लाभ मिलने वाला है, वो हमारे लिए करंट एसेट्स कहलाते हैं। स्थायी या फिक्स एसेट्स वो होते हैं जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन, जिनका हम एक वर्ष से ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक वर्ष के अंदर हम उन्हें कैश में परिवर्तित नहीं करते हैं, वो स्थायी संपत्ति कहलाती हैं। और उन संपत्तियों को जिनको हम एक वर्ष के अंदर कैश में परिवर्तित कर देते हैं वो करंट एसेट्स कहलाती हैं। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल होते हैं देनदार, हमने जिन उधार माल बेचा है वो हम एक वर्ष के अंदर कैश वापस लौटाते हैं। देनदार, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल जिनके भुगतान हमें मिलने वाले हैं वो बिल्स रिसीवेबल यानी प्राप्य बिल कहलाते हैं। इसके अलावा हमने कोई एडवांस कोई खर्च कर दिया है, कुछ काम कराने हमने एडवांस रुपए दिए हुए हैं तो वो भी करंट एसेट्स में आएगा। सैलरी एडवांस दी, किराया एडवांस दिया, कमीशन एडवांस दिया, हमने कोई भी खर्च अगर एडवांस में कर दिया है तो वो भी करंट एसेट्स में आता है। और यदि कोई खर्च करना बाकी है, खर्च देना बाकी है तो वो करंट लायबिलिटीज़ में आता है। इस तरह से तो ये करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ होते हैं। फिक्स दायित्व क्या होते हैं, फिक्स दायित्व होते हैं जो लंबे समय के लिए चलते हैं, जैसे दीर्घकालीन ऋण, एक वर्ष से ज़्यादा समय के बाद वो कैश में चेंज होगा दायित्व, वो स्थायी दायित्व कहलाते हैं, फिक्स लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। तो ये इस तरह से बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट का नियम है कि डेबिट क्रेडिट अर्थात लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर बराबर आता है। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड का योग बराबर बराबर है, इस तरह से आता है बैलेंस शीट में, कभी भी ये टोटल अलग अलग नहीं होना चाहिए।
तो बाकी आप कोई और दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चन आप माइंड में होंगे समझ में नहीं आएगा, तो आप अगली क्लास हमसे पूछना, हम आपको ये और अच्छे से समझा देंगे। और इसमें डिटेल आपको देखना है, विस्तार से आपको देखना है, तो आप अल्टर F1 प्रेस कर सकते हैं या फिर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप विस्तार से दिखाई देगा करंट एसेट्स क्या क्या हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। जब भी आप डिटेल में देखना हो, डिटेल में देखने के लिए आपको अल्टर F1 प्रेस करना है। वापस कंडीशन में देखना है तो फिर से आपको अल्टर F1 प्रेस करना है, तो फिर आपको पुरानी कंडीशन में ये देखने लग जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। सब कुछ, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम इसका वीडियो भी आपके पास भेज देंगे, तो आप वीडियो भी एक बार देख लेना। उसके बाद आपके मन में जो क्वेश्चन आएंगे, यदि कुछ आप समझ में नहीं आएगा, तो अगली क्लास में हम आपको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, अपन अब ठीक क्लास है, यहीं पर बंद कर रहे हैं। गुड इवनिंग सभी के लिए, गुड गुड इवनिंग सर, थैंक यू। इवनिंग, वेलकम। सर आप पहली की क्लास स्टार्टिंग से कब लगाएंगे? हाँ, ये जो टैली का बैच आपने लिया है, ये स्टार्टिंग से ही है। वो आपने हो सकता है 2 दिन लेट लिया हो। यदि आपने लेट स्टार्ट किया होगा, तो हम आपको स्टार्टिंग से वीडियो भेज देंगे। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेजना, क्लास 1 से अभी तक की वीडियो हम आपको भेज देंगे। ओके सर। ठीक है।